नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ब्लॉक जलालाबाद के ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा के ग्राम सभापाला में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसकी सूचना ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ग्राम पाला में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसकी सूचना ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान से भी की, लेकिन ग्राम प्रधान ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ग्रामवासियों का कहना है कि हमारे गांव में ना ही नाली की सफाई की जाती है और ना ही कोई सफाई कर्मी हमारे गांव में आता है। जगह जगह नालियों में पानी भरे होने के कारण हमारे गाँव में भयंकर बीमारी फैली हुई है। और ग्रामवासियों का ये भी कहना है कि हमारे ग्राम प्रधान हमारे गांव में ना ही दवा का छिड़काव करा रहे हैं। जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब दवा का छिड़काव करवा देंगे। लेकिन ग्रामीणों ने ये भी कहा कि तब तक हमारे गांव में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। कन्नौज से ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। अखिलेश कुमार, किस गांव में रहते हो? ग्राम पाला। आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या ये, एक महीने से महामारी फैली है, डेंगू है, टाइफाइड है और पूरा गांव त्रस्त है। यहां अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है? कोई भी टीम नहीं आई, यहां कोई टीम नहीं आई है। आपने इसकी शिकायत की थी किसी से? कंप्लेन करी, अखबार में करवाई, फिर भी अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग टीम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? कोई नहीं। और जो हर एक ग्राम पंचायत में प्रधान कोटे से दवा की छिड़काव किया जाता है, वो आपके गांव में हुआ है? यहाँ कभी दवा का छिड़काव भी नहीं हुआ है। इस पर प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी से कह रहे, प्रधान जी टाइम ही नहीं है। किस गांव में रहती हो? क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में डेंगू का प्रकोप चल रहा है बहुत तेजी से। आपने इसकी शिकायत किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से की थी? की तो थी, पर कोई वो नहीं। उन्होंने क्या कहा? कोई सूचना ही नहीं मिली। और आपके जो ग्राम प्रधान है वो आपके गांव में दवाई का छिड़काव नहीं करवा रहे हैं? अरे कभी नहीं होता। प्रधान जी से कहा था आपने? हाँ।